थैंक यू और बाय भी बोलना चाहूँगा। जोहार। थैंक यू सर आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। सब पैकिंग हो गया ना? सब कुछ हो गया है। सुन रखा है कि यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन भी रुकेगी। अरे मैं बहुत भयानक थक गया। ओह माय गॉड थक गया मैं। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि खाना कहीं नहीं मिल रहा है और थक करके गोबर। आपको हम यूट्यूब में देखे हैं। अच्छा रख लेता हूँ लगेज, झंडा खोल करके रख लूँगा और उसके बाद फिर चला जाएगा क्योंकि नहीं हो पा रहा है। एवरीवन आज 111 दिन हो गए झारखंड पैदल यात्रा के। 110वें दिन में मैं यहाँ पे आया था मनोहरपुर, और गोवा जब गया था ना वहाँ पे कई सारे लोगों ने मुझे देखा था, तो उसमें से एक कैलाश सर भी है, तो उन्होंने बोला था मनोहरपुर पहुँचने के लिए उनको मैं फ़ोन करूँ। तो फिलहाल मैं हूँ अजय भाई के यहाँ पे, जिनको संपर्क किया गया था कैलाश सर के द्वारा, उनके भाई के द्वारा भी। तो इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ और मनोहरपुर आज रेलवे स्टेशन में कुछ उद्घाटन होने वाला है। मैं फिलहाल यहाँ से छत चलना चाहूँगा और वहाँ से आपको मनोहरपुर का रेलवे स्टेशन का कुछ नज़ारा दिखाना चाहूँगा और वहाँ पे मैं बातें करता हूँ। तो ये वाला एरिया है मनोहरपुर रेलवे स्टेशन का, और काफ़ी पुराना है यार। मेरे भींगे कपड़े सूख रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा काफ़ी रिलैक्स है, ब्लॉग वगैरह एडिट कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनके यहाँ का भी ब्लॉग शूट कर लूँ भाई साहब, क्योंकि ये जो लोग मुझे एक दिन रहने के लिए देते हैं ना, उनको मैं कभी मिस नहीं करना चाहता हूँ। कभी फिर से फ्यूचर में घूमने के लिए आऊँ तो इनसे ज़रूर मिलूँगा। चलिए अब निकलने वक्त इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, ये भी बहुत काम बाकी है। अब मैं यहाँ से निकलूँ उससे पहले ये लोग मुझे भोजन खिला रहे हैं, वो बहन और ये भाई दोनों मिल करके। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या परोसे हैं, मतलब लग रहा है कि मैं साउथ इंडिया आ गया। इतनी चीज़ें परोस दी है ये लोग। ये सब्जी, ये ऐसा दाल वाला ना, फिर ये भुंजिया साग, ये भी कुछ बनाई है, वो चावल का है, चटनी अचार प्याज, बाप रे 12-15 प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो दिस इज द टाइम टू से थैंक यू, आप लोग इतना मेरा आतिथ्य कर रहे हैं। एक्चुअली मौसम ख़राब हो गया, दोपहर तो हो ही गई थी, बट अब यहाँ से मैं निकलना चाह रहा हूँ। देखो बस बारिश है, उससे पहले निकलना चाहूँगा ये खूबसूरत से परिवार, जिनको अब मैं थैंक यू और बाय भी बोलना चाहूँगा। जोहार बाय निशांत, बाय आंटी, और थैंक यू सर आपका भी। फिर से आइएगा ठीक है? हाँ हाँ, पदयात्रा खत्म होने दो फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो आप फाइनली बाय। हाँ बाय करो, बाय। एक्चुअली मैं मौसम से डर रहा हूँ, ये काली घनघोर घटाए बताइए। ये मेरा सही सोच था, अगर मैं सच में जाता तो बीच रास्ते में कहीं ना कहीं फंस जाता। तो मनोहरपुर से एक और परिवार से मिलिए, मेरे एक और परिवार से। तो जोहार आंटी, मिलते हैं आपसे फिर, है ना? ये हूँ मैं नितेश सर के घर, इनके यहाँ कल ही आ गया था, मतलब 12वें दिन, और अभी मैं इस वक्त जा रहा हूँ। हाँ बड़ा अच्छा बागवानी इन्होंने करके रखी है, सारे फल के लगभग पेड़ मिल जाते हैं। थैंक यू सर आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए। सब पैकिंग हो गया ना? सब कुछ हो गया है। देखिएगा अगर होस्टिंग में कहीं मिस्टेक हुआ तो माफ करिएगा। नहीं नहीं, होस्टिंग में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आया, इवन जितना संभव हो सका किए हैं, संभव बहुत अच्छे तरीके से। हम लोग तो प्लानिंग बना रहे थे कि बाहर में सोए पटना, बारिश का कोई फिक्स मूड नहीं था। तो थैंक यू स्टूडेंट। हाँ अच्छा अच्छा, जो है चलिए तो आज की यात्रा मेरी होने वाली है मनोहरपुर, एक्चुअली आनंदपुर भी जाने वाला था, बट थोड़ा सा मैं लेट हूँ अपने शेड्यूल टाइम से, और ऑलमोस्ट 1 महीने हो गए यार पश्चिम सिंहभूम में। अभी भी पश्चिम सिंहभूम में मतलब मुझे 7 से 8 दिन लग जाएंगे इस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, जब मैं खूंटी जिला की ओर प्रवेश करूँ। तो तकरीबन अभी कुछ घंटों में मैं मनोहरपुर नंदपुर पार करते हुए गोइलकेरा के लिए रास्ते में आ जाऊँगा। बीच रास्ते में मुझे कोयल नदी भी मिलेगी। वैसे ये इलाका है उंधन, उंधन इधर से समीर आनंदपुर होते हुए भी निकल सकता था, बट वही एक बार फिर कहूँगा कि वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कई बार। तो देवियों और सज्जनों, चलते चलते बता दूं कि कोल्हान वन प्रमंडल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये पोड़हाट वन प्रमंडल पीछे रह गया, और पोड़हाट वन प्रमंडल आता है पीछे चकदरपुर के साइड की ओर। अभी मैं जिधर आ रहा हूँ वो उधर से मैं चकदरपुर जा सकता था, बट मैं जाऊँगा इधर से गोइलकेरा होते हुए पहले चायबासा देन चकदरपुर। बीच में मुझे कोयल नदी मिलती है, दक्षिणी कोयल भी कहते हैं इसको,
और ये है झारखंड के सभी बड़े नदियों में से शामिल एक नदी कोयल, जो कि छोटा नागपुर के पठारों से निकल करके आती है। एंड हियर दिस इज फिलहाल नदी अभी सूखी पड़ी है क्योंकि ये दोपहर गर्मियों का वक्त, बरसात के वक्त में लबालब ये भरा रहेगा। इस नदी के बारे में बहुत अधिक अभी तो डेटा नहीं दे पाऊंगा, बट ये जानता हूं कि इस छोटा नागपुर के पठारों से निकलते हुए ये नदी जाके शंख नदी में, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा में ये मिल जाती है। 285 किलोमीटर की दूरी को तय करती है तकरीबन ये, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर आपको कुछ और भी चीज़ें पता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और ये मनोहरपुर का संत अगस्तीन कॉलेज, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका आपको अंग्रेज़ों की तरह लगेगा, मतलब ब्रिटिश ज़माने का। तो मैं कॉलेज इंटर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है और बहुत लेट हो रखा हूँ। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से आगे रेलवे स्टेशन की ओर। सुन रखा है कि यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन भी रुकेगी इस मनोहरपुर रेलवे स्टेशन में। सुबह का तकरीबन ये 8 बजा हुआ है, जिसकी वजह से आपको मार्केट अभी शांत लग रही है। बाकी यही मनोहरपुर की ये मार्केट जो है ना, आसपास के कई गांव की जान है, लोग यहाँ पे आकर के हर एक चीज़ के लिए शॉपिंग करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं रुकूंगा अपने मिसिंग कपड़े लेने के लिए, उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। मॉर्निंग। हाँ जी, तो मैं मनोहरपुर से, मतलब मुख्य बाजार से बाहर निकल चुका हूँ और ये जगह है नंदपुर। उसके बाद गोइलकेरा के लिए मुझे तकरीबन 25 किलोमीटर और जर्नी करनी पड़ सकती है, 25 से 30 किलोमीटर की जर्नी। अब तक कुल 6 किलोमीटर की जर्नी कर चुका हूँ मैं। और आज मौसम 40 डिग्री सेल्सियस, अभी सुबह के तकरीबन 9:30 बजे, दोपहर तक ये होएगी 44 डिग्री सेल्सियस। बड़ी कष्टदायक है भाई साहब। और ये उजड़े चमन देख देख करके तो और भी मन खराब होता है। दोनों तरफ सड़कों के पेड़ पौधे होते हैं ना, तो क्या मज़ा ही आता चलने में। तो ये वाला रास्ता जाता है चक्रधरपुर और गोइलकेरा की ओर, नंदपुर से होते हुए जिधर मैं निकल पड़ा हूँ। रास्ते में लिखा है 49 किलोमीटर, और मैंने आपको बताया करीब 25-30 किलोमीटर ना। एक्चुअली महादेव साल 25-30 किलोमीटर है, एक शॉर्टकट लेकर के जाएंगे उधर हम तब, और नहीं तो अगर घूम करके जाएंगे उसी जगह को तो 45 किलोमीटर पड़ जाएगा, इसीलिए हम एक शॉर्टकट को लेंगे और वहाँ से चलेंगे। आगे जा करके मुझे एक आध गांव मिलेगा, उसके फिर 20 किलोमीटर दूर तक कहीं पीने की पानी तक नहीं मिलेगी। चलिए चलते हैं। चलते चलते एक गांव में मैंने ये ले लिया, चना वगैरह है इसमें, और बीच में ना तारा भी मुझे मिला, जो कि पिछले वीडियो में आपको दिखाया। देखिए दादी पीस रही है पानी में भिंगा भिंगा, क्योंकि काफ़ी सख्त हो जाता है जंगल से चुन चुन करके, तो वह भिंगा रही है, पीस रही है इसको दर्रे की तरह, वो पीस रही है। और देखिए यहाँ भी दीदी पीस रही है, और यह भी इतना मिला इनको। चलिए जोहार आप लोग को। कुछ ऐसे चीज़ें जो आपको शायद झारखंड के विभिन्न प्रांतों में देखने के लिए मिले, इसलिए मैंने इसको कवर कर लिया, लाइफ टाइम मेमोरी है ये। जंगल मुझे बहुत पसंद है वास्तव में, और वहाँ से जो भी प्राप्त चीज़ें हैं वो एक्चुअली रॉ मटेरियल्स होता है, तो उसको आप खाते हैं किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं करता। प्यार था वो, तारब कहते हैं उसको, तारब भी कहते हैं। चलो आगे मिले, घनघोर जंगल अभी आने वाली है, महादेव साल भी मिलेंगे आगे। इस वक्त एक लाइन पे आ रहा हूँ, बहुत भयानक थक गया। ओह माय गॉड, थक गया मैं। पोस्ता वेस्टर्न केबिन पहुँच गया, रेलवे स्टेशन जस्ट बगल में है। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि खाना कहीं नहीं मिल रहा है, और थक करके गोबर हो गया हूँ यार। मुझे ना लिफ्ट लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर नहीं लेता हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। ये देखो ट्रेन है, पता नहीं कौन सी ट्रेन आई है, अभी आ रही है शायद। देखो मैं जो बात कर रहा हूँ, ट्रेन दिखा लूँ क्या आपको? देखोगे ट्रेन, ये देखो ट्रेन आ गई। फिलहाल एक जंगल पार किया है, ये कोर्ट से आया था रेलवे स्टेशन यहाँ पे, बट आगे में एक और जंगल पार करना पड़ेगा मुझे।
मुझे यार अभी ना चक्कर भी आ रहा था इतना लंबा जंगल पार करते करते, इतनी घनी धूप है, मुझे 10 किलोमीटर तक का कम से कम लेना ही पड़ेगा महादेव साल तक, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड कर दूंगा महादेव साल पहुंचने के बाद। गोलकेरा के बाद की जानकारी लेने के लिए आप चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए। हे प्रभु कोई तो आओ यार, अब लिफ्ट ले लूँगा मैं, कोई आया तो पक्का। यहाँ से चकदरपुर 75 किलोमीटर है, मतलब आज की जर्नी कुछ 12 किलोमीटर तक हुई है, उसके पहले बोलेंगे। एक गाड़ी मुझे देखने को मिल रही है कि आ रही है पीछे से, दिखता हूँ उनसे लिफ्ट मांग करके। कहाँ तक जा रहे इधर? महाकाल साई जा रहे भाई, हम लोग आपका जाइएगा। मेरे को एक्चुअली ग्वालकेरा जाना था, तो वहाँ तक भी छोड़ दे कम से कम। चलिए छोड़ देंगे। ओके okay. आपको हम यूट्यूब में देखे हैं। अच्छा थैंक यू। चलिए बैठिए, रख लेता हूँ लगेज, ये झंडा खोल करके रख लूँगा और उसके बाद फिर चला जाएगा, क्योंकि नहीं हो पा रहा है। थैंक्स गॉड मिल गया। थैंक यू भैया। हम लोग को लगा कि आप महादेव साल से उधर कितना दूर जा रहे हैं? हनुमान सीकेपी तक जाएंगे भैया। सीकेपी 75 किलोमीटर ना? हाँ। आप लोग भी साथ में? हाँ भैया। आप कहाँ से जा रहे हैं भैया? हम एक्चुअली बोकारो से निकले हैं। और यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो इधर ग्वालकेरा तरफ जा रहा हूँ मैं। अच्छा, फिर ग्वालकेरा से? ग्वालकेरा से फिर चाईबासा जाऊंगा। क्या दिन ट्रिप हुआ आपका? ये 112 दिन हो गया सर। 112 दिन? हाँ। 112 दिन से आप मतलब की टूर पे है? कितना किलोमीटर हो गया भी आपका? भी तकरीबन 1260 किलोमीटर के आसपास हो गया। गाइस महादेव साल के पास उतर गया हूँ, एक गुफा के पास। अभी इनको थैंक यू कहना चाहूँगा। थैंक यू भैया। क्या नाम हुआ आपका? अमन शर्मा। अमन। आपका? राजेश प्रसाद। अच्छा, आप भी बता दो जी। और ये है जिया जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे, अरे बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, हम खुद लेंगे आप लोग के साथ। ठीक है भैया, थैंक यू। जोहार आप लोग को। जुआर, जुआर। मिलते हैं गाइस, आपको महादेव साल दिखाऊंगा, फिर इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे। गाइस ये रास्ते हैं महादेव साल के। महादेव साल के बारे में स्टोरी बताया जाता है कि जब इस रेलवे लाइन को बिछाया जा रहा था, तब बीच रास्ते में एक शिवलिंग मिली। लोग समझे पत्थर है, तो काट करके बढ़ते जा रहे थे, तो पत्थर कटा नहीं। लास्ट में सुनता हूँ कि कोई गोली मार रहे थे अंग्रेज। ये कहानी तब की है, तो औद्योगिक के लिए ट्रेन की पटरियां जब बिछाई जाने लगी, तो ये वाली सिचुएशंस क्रिएट हुई कि वहाँ पे एक पत्थर है जो कि नहीं कट रहा है। ज़्यादा फोर्स किया गया तो उस पत्थर के कटने पे खून निकलना स्टार्ट हो गया। तब से यहाँ पे जो भी हिंदू धर्म के लोग रह रहे थे, उन्होंने बोला कि इस प्लेस को छोड़ दिया जाए। तो उस मंदिर को, मतलब उस शिवलिंग को छोड़ करके थोड़ी अलग साइड से पटरियाँ निकाली गई। अभी उस पटरी को मैं देखने के लिए जा रहा था जो ट्यूनल की तरह बनी हुई है। यहाँ पे तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है, और ये मैं यहाँ से ऊपर के नज़ारे देख रहा हूँ पहाड़ को काट करके। क्या गजब, क्या गजब का रोड बनाया गया है पहाड़ के ऊपर, बिल्कुल पेड़। महादेव साल का मंदिर। धूप ढल चुकी है और मैं अब यहाँ से निकलूंगा। एक्चुअली 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे रुक गया ताकि मैं आपको मंदिर दिखा पाऊँ। और जैसे कि आपको मैंने कहानी बताई, अभी भी भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा है, स्टेचू है, मतलब भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग है, उसी प्रकार से मैं अंदर ले जा करके आपको दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगता। आप आकर के महादेव साल मंदिर में विजिट करें। मुझे लगता है कि सावन के टाइम में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे कि श्रद्धालु बोलते हैं। और बस मंदिर का यही लुक मैं आपको दिखा पाऊँगा। ये तकरीबन चाईबासा से 70 किलोमीटर की दूरी में स्थित है, चकदरपुर वाले रास्ते पे नहीं, ये आपको मनोहरपुर वाले रास्ते पे मिलेगी। तो अगर आप यहाँ तक आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। चकदरपुर रेलवे स्टेशन सामने पड़ती है यहाँ से, तकरीबन कुछ 50 किलोमीटर के आसपास, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो महादेव साल पड़ता है। चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं बाबा के धाम से, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ये वाला अच्छा लगा होगा फाइनली लास्ट देखने में। चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुश रहें। डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।